एक तरफ भारतीय सेना दिन रात सीमा पर रहकर सीमा की रक्षा करती है, वही समाज के जरूरतमंद लोगों की समय समय पर मदद भी करती है। सीमावर्ती राजौरी जिले के कालाकोट के पहाड़ी सुदूर गांव में रहने वाले विशेष रूप से विकलांग लोगों की मदद के लिए भारतीय सेना की कालाकोट स्थित राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन की तरफ से तकरीबन 50 विकलांग व्यक्तियों के बीच व्हील चेयर वितरित की। यह व्हील चेयर वर्धमान इंडस्ट्रीज लुधियाना के सहयोग से बनाई गई है। भारतीय सेना की इस कोशिश की गांव वालों ने काफी तारीफ की। गांव वालों का कहना है कि अब हमें कहीं भी जाने की परेशानी नहीं आएगी, हमारी सेना ने हमारी सारी परेशानी ही दूर कर दी है। ये गांव में है हमारा दाली का, तो तहसील हमारी कालाकोट है। हमारी मदद करने के लिए हमारे फौजी भाई जो कालाकोट 63 के आरआर से आए हुए हैं, उन्होंने एक मेरे को चेयर दी है। इससे मेरे को काफ़ी फायदा पहुंचेगा और मेरे को चलने के लिए काफ़ी ठीक रहेगा। मैं विकलांग हूँ, भारतीय सेना का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारे चलने फिरने के लिए व्हील चेयर दिया, और हम बहुत बहुत धन्यवाद हैं इनके। मेरा नाम राहुल शर्मा है, इनका नाम यशपाल शर्मा है, और इनको 63 आरआर द्वारा दी गई ये व्हील चेयर इनके काम आएगी। ये व्हील चेयर इनको बाथरूम वगैरह ले जाने के लिए हमें बड़ी मदद करेगी। ऐसे हमें इनको उठा के ले जाना पड़ता है नीचे, अगर इन्हें कहीं जाना हो या कहीं जैसे वैक्सीनेशन हुई है कोरोना की तो इनको उठा के लेके जाना पड़ता था, अब ये व्हील चेयर की मदद से हम इन्हें आगे पीछे आसानी से लेके जा सकते हैं। जो गीता देवी है उनको आर्मी की तरफ से व्हील चेयर दिया गया है, और बचपन से जो ऐसे हैं हैंडीकैप हैं, और आर्मी की तरफ से हम शुक्र अदा करते हैं तो इनको व्हील चेयर दिया गया। मेरा नाम पुरुषोत्तम लाल है, ये मेरी सिस्टर है, और सर ये गवर्नमेंट ने जो आर्मी तरफ से ये चेयर मिली है वो इससे इसको फायदा होगा, थोड़ा चलने फिरने में आने जाने में जो दिक्कत है उसका फायदा होगा।